खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिर खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना वशकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया सोकर उठने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर कुरान में कितने पारे हैं 30 कितनी आयत है 6666 कितने रुकू हैं 540 सूरत कितनी है 114 कुरान में मंजिल कितनी है 7 कुरान शरीफ में हुरूफ कितने हैं 323,760 कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कुरान कहाँ नाजिल हुआ था ग़ारे हिरा कुरान कितने साल में नाजिल हुआ 23 कुरान किस पर नाजिल हुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान को लेकर कौन आया जिब्रील अलैहिस्सलाम भेजने वाला कौन है अल्लाह हमारा दीन क्या है इस्लाम हम सबको किसने पैदा किया अल्लाह हम किसकी औलाद हैं औलाद में से हैं आदम अलैहिस्सलाम हमारी अम्मी का नाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम अब्दुल्ला अम्मी का नाम आमना दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब चचा का नाम अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम अब्दुल वहाब या अब्द मनाफ या अब्द मनाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम नानी बर्रा बिनत अब्दुल उज्जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी 11 11 बीवियों के नाम गिनाइए नंबर 1 खदीजा नंबर 2 सौदा नंबर 3 आयशा नंबर 4 हफ्सा नंबर 5 जैनब बिनत खुज़ैमा नंबर 6 उम्मे सलमा नंबर 7 जैनब बिनत जहस नंबर 8 जुवेरिया नंबर 9 सफिया नंबर 10 उम्मे हबीबा नंबर 11 मैमूना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी 63 मक्का में कितने साल थे 53 मदीना में कितने साल थे 10 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है मदीना मस्जिद का नाम क्या है मस्जिद नबवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ थी 4 क्या क्या फातिमा उम्मे सलमा रुकैया फिर से नाम फिर से जैनब फातिमा रुकैया उम्मे सलमा उम्मे कुलसुम फिर से जैनब फातिमा रुकैया उम्मे कुलसुम